दिखन ही नजर से अपना हम जिंदगी करीब से। सो हेलो एवरीवन, 18 जनवरी 2025 का पेपर है क्या ये? आजपाल अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रियल पेपर मिल गया भाई, रियल पेपर मिल गया। यहाँ पर देखते हैं, फुल सोल्यूशन कराऊंगा इस वीडियो में। जो स्टूडेंट छोड़कर जाएगा समझो बहुत ही पछताएगा। आओ फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर 18 जनवरी 2025 का पेपर है। रोल नंबर सबसे पहले यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर अपना परीक्षार्थी का नाम, यानी कि परीक्षार्थी अपना नाम लिखेगा, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर परीक्षार्थी अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करेगा, ठीक है। समय 2 घंटे का मिलेगा। अधिकतम अंक 100 अंक करेगा। ये पेपर मार्कशीट पर होता है। इसमें देखिए मानसिक योग्यता का आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा, अंक गणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा परीक्षा के आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 80 प्रश्न पूछा जाएगा। 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। तो आइए पेपर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भाग 1 में जस्ट पहुंचते हैं हम लोग फटाफट, क्योंकि ये पेपर लीक हो चुका है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि इसमें असंगत आकृति बताना है। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से यही कंफर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दो, इसमें सबसे अलग आकृति बता दो। इस निर्देश के पढ़ने से यही कंफर्म होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि सब में क्या है बाबू, सब में ये आप लोग का तीर है, प्लस में आप लोग का गोला है। लेकिन भाईवा इसमें तीनों में दोनों के तरफ क्या है, इसमें तीर डाल दिया गया, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे अलग कौन सा है, तो सारा क्या है ये समांतर निकला हुआ है। समांतर का मतलब समझ रहे हैं, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी करेगी नहीं, यानी कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन ये वाला जो रेखा है ऐसे करके ऐसे कर दिया गया है, तो सबसे अलग आकृति तो यही हो गया ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो ये देखिए सबसे पहली बात कि ये जो तीन आकृति जो देख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, तो इसको आधा में डिवाइड करूं तो बीच में से करूंगा ना, तो देखिए इसको भी आधा डिवाइड किया गया, इसको भी आधा डिवाइड किया गया, इसको भी आधा डिवाइड किया गया, लेकिन ए नंबर में भैया आधा डिवाइड नहीं किया गया, थोड़ा सा कम ही कर दिया गया है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भाग यानी कि सॉरी, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग असंगत आकृति बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा अंतर है, जो कि यहाँ पर दोनों के तरफ तीर डाल दिया गया है, बाकी ये सारा तीर एक एक है, एक एक है। लेकिन राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। भाग 2 में पहुंचते हैं फटाफट। देखिए इसी टाइप का पेपर आएगा। अब बच्चे बोलेंगे भैया यही पेपर आएगा, नहीं यही पेपर नहीं आएगा, इसी टाइप का पेपर आएगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके जैसे हूबहू आकृति इसमें से बताना है। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से यही कन्फर्म होगा कि इसके जैसे हूबहू आकृति इसमें बता दीजिए। तो इसके जैसे कौन सा है, ए नंबर। इसके जैसे कौन सा है, तो आप लोग का भैया ध्यान से देखना होगा। देखिए 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 ध्यान से आप लोग, इसमें कोई सा भी त्रिभुज नहीं डाला गया है, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। इसके जैसे हूबहू आकृति तो ए है, तो भैया ए नंबर। इसके जैसे हूबहू आकृति तो ये आप लोग का ए नंबर। बहुत ही ईजी पेपर है ये, ठीक है। सॉल्व 1 मिनट में करके उड़ा देना है, बिल्कुल एग्जाम में जाना है तो बिल्कुल तहलका मचा कर आना है, ठीक है। नैनो एग्जाम का स्टूडेंट कोई भी तहलका मचा कर नहीं आया तो समझो उसको बहुत मारा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गोला करना है ऐसे, यानी कि छोटा सा पेंसिल लेकर जाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले भाग 3 को पढ़ेंगे ना, तो भाग 3 को पढ़ेंगे तो यही कन्फर्म होगा कि आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर गोला कर दीजिए और ये पेंसिल से मिला दीजिए और इसमें से जो हो रहा है राइट आंसर उसी को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो कौन सा होगा ध्यान से देखेंगे, तो आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर को उठाकर रखेंगे तो सेम से मैच कर डालेगा भैया, डी नंबर को उठाकर रखना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, ये रेखा थोड़ा सा और यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तो सबसे पहले इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे मिलाएंगे और फिर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें भी मिस्टेक दिया है क्या, आप लोग का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर को उठाकर रखेंगे, थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, छोटा रहेगा, इसको उठाकर रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इसमें आप लोगों से क्या किया गया है कि ऊपर के साइड में ऐसे ऐसे किया गया है, नीचे के साइड में ऐसे ऐसे, ऊपर के साइड में यही आकृति यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो आप लोग अब डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसको उठाकर रखेंगे मैच कर डालेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऐसे है तो ये भी ऐसे है, ये ऐसे है तो इस पर ऐसे ही खींचा जाएगा, ऐसे ही खींचा जाएगा, ए नंबर को उठाकर रखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी। भाग 4 में हम लोग पहुंचते हैं। भाग 4 में ये कहता है ना कि इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से यही कन्फर्म होगा कि यहाँ पर कोई आकृति में संबंध है, उसके बाद अगला संबंध क्या होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लो छोटा सा, जैसे मान लीजिए 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद का आएगा, आप लोग बता सकते हैं, हाँ तो बता सकते हैं 4 आएगा, ठीक है। ऐसे इसमें बताना है कि इसमें कोई संबंध होगा, फिर इसमें आगे कोई संबंध होगा, फिर आगे संबंध होगा। तो देखिए आकृति घट रही है, यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4 5 गो है, 5 गो के बाद 4 गो है, 4 गो के बाद 3 गो है, तो 3 गो के बाद सीधा सा बात है 2 गो होगा, ठीक है, 2 गो होगा। तो इस बार भैया ऐसे था तो इस बार
सेम ऐसे नहीं होगा, दो को इस रोटेट होगा थोड़ा सा, तो दो को ये होगा कि ये होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। आप लोग का राइट आंसर ये इधर के साइड में है तो इधर के साइड में रोटेट हुआ है, ये इधर के साइड में है तो इधर के साइड में रोटेट होगा, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे, ज़्यादा इतना रोटेट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट हुआ है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ही रोटेट होगा, ये नंबर राइट आंसर। ठीक है, इसको देखिए इसमें क्या हुआ, एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार बढ़ेगा बाबू, और वो भी आप लोग का रोटेट होकर बढ़ेगा, रोटेट थोड़ा सा होगा। ठीक है, तो रोटेट होगा तो हम लोग रोटेट करते हैं। सबसे पहली बात कि ये रोटेट हुआ तो ऐसे बन गया, मान लो सिंपली, ठीक है ऐसे बन गया। ठीक है, तो एक रेखा और बढ़ेगी जो कि आप लोगों का जो बढ़ना चाहिए, एक ऐसे रेखा बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर देखिए, इसको देखिए, ये इधर के साइड में है, ये भी इधर के साइड में है, एक रेखा बढ़ेगा तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, आ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये देखिए, गुणा का चिन्ह डाला गया है, फिर आप लोग का आयत बनाकर एगो घटाकर आयत बनाकर ऐसे कलर कर दिया गया है, यहाँ पर दो को गुणा का चिन्ह बना दिया गया है, तो इस बार रोटेट ऐसे होगा इस साइड की तरफ से, इस साइड की तरफ से, यानी कि ये देखिए ऐसे था तो ऐसे रोटेट हुआ, ऐसे है तो ऐसे रोटेट होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एगो घट कर कलर कर दिया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो नेक्स्ट पार्ट में ये आप लोग का रोटेट हो रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है, ये पहले ऊपर था, समझिए गोला ऊपर है, तो फिर इधर के साइड में आया है, फिर इधर के साइड में आया है, तो फिर इस बार इधर के साइड में जाएगा। समझ रहे हैं सारी चीज़ें। तो राइट आंसर आप लोग का ए, ऐसे जो दिखेगा रेखा ऐसे, ठीक है, तो वही आंसर होगा, यानी कि डी नंबर दिख रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग भाग फाइव में पहुंचते हैं, बिल्कुल तहलका मचाने वाले हैं। ठीक है, तो भाग फाइव में हम लोग जैसे ही पहुंचेंगे, भाग फाइव में निर्देश, इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से यही कन्फर्म होगा कि आप लोग देखिए इसमें कोई संबंध होगा, इसमें जैसे मान लीजिए दो ऐसे में बना दूँ, दो का संबंध इस चार से है, और ये ऐसे में बना दूँ तो ये पाँच का संबंध आप बता दीजिए कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो दो का संबंध क्या है, दो का डबल है चार। ठीक है, अब पाँच का संबंध क्या होगा, पाँच का संबंध डबल क्या हो जाएगा, पाँच का पाँच दुना में दस। ठीक है, या ऐसे भी सोच सकते हैं, दो का स्क्वायर क्या हुआ है, चार हुआ है, तो पाँच का स्क्वायर क्या होगा, पच्चीस होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो सोचने के ऊपर है कैसे सोचेंगे और कौन सा ऑप्शन आंसर, यानी कि आप लोग का आंसर शीट में दिया हुआ है, आप लोग का क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर चलिए सोचते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये जो है इसको उलाट कर ऐसे कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है भैया, एगो को गायब कर दिया है, तो यहाँ पर भी एगो को गायब कर देंगे। चलिए मैं इसको गायब कर देता हूँ, इसको मैं गायब कर देता हूँ, इसको तो ये वाला साइड वाला गायब हो गया। ठीक है, अब बचा ये और ऐसे त्रिभुज बचा है। ठीक है, तो अब त्रिभुज क्या करेगा, यहाँ पर देखिए उलट कर ऐसे दिखेगा, मतलब ये त्रिभुज भी उलट जाएगा और ये आप लोग का ये तो उल्टा नहीं है और ये ऐसे बन जाएगा। तो भैया किस ऑप्शन में है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सारी चीज़ें समझ में आ रही है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी दिमाग लगानी होती है जो कि बहुत ही टफ नहीं होता है। इसमें देखिए इसमें हुआ क्या है, ऐसे रेखा खींचा गया है और एक ऐसे नीचे के साइड में ये दूसरा वाला में ऐसे कर दिया गया है ऊपर के साइड में। ठीक है, तो इसमें भी जब रेखा ऐसे कर दिया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में जाएगा तो, और ये आप लोगों का क्या होगा, बेंड हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये उलट भी रहा है, साथ में ये रेखा भी जुड़ रही है। ठीक है, तो इसको भी उलाटेंगे और साथ में एक रेखा जोड़ देंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा चल जाएगा, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, बी नंबर की तरफ इशारा कर रहा हूँ और डी नंबर बता रहा हूँ। कैसे प्रभु, ये तो मैजिक हो रहा है। इसमें देखिए इसमें कोई संबंध होगा तो इसमें आगे वाला में क्या संबंध होगा, तो आप लोग बता देंगे। ये रोटेट हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, रोटेट हुआ है और अंदर वाला फिगर भी रोटेट हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो ये भी रोटेट होगा और अंदर वाला फिगर भी रोटेट होगा, तो कौन सा राइट आंसर होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप लोग इसका 19 नंबर का कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और 19 नंबर का कमेंट बॉक्स में बताते हुए अपना नाम लिख देंगे मेरे प्यारे क्यूट दोस्तों, बच्चों बोल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या संबंध है, इसमें और इसमें कोई संबंध होगा, आगे का संबंध बताइए। ये बीच वाला है जो गोला के रूप में बदल गया है, ठीक है, बीच वाला जो है वो गोला के रूप में बदल गया है, ये वाला हिस्सा एक छोटा सा ऐसे बन गया है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये बीच वाला है जो वर्ग के टाइप में बदल जाएगा, तो वर्ग टाइप में सारा में है, अब ये गोला और ये अंदर के साइड में रहेगा, तो ये गोला और ये अंदर के साइड में रहेगा, तो भैया आप लोग एक काम कीजिए, सारा है गोला, लेकिन ये देखिए ये और ये टच किया हुआ है, ये और ये टच नहीं किया हुआ है, तो आप लोग का जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा सी नंबर,
सी नंबर नहीं होगा। ये देखिए फिगर भी उल्टा पुल्टा हो रहा है, आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। सारी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट भाग पे पहुंचते हैं। भाग आप लोग 5 तक पढ़ लिए हैं, भाग 6 में पहुंचते हैं। भाग 6 में जाएंगे ना पेपर देने, तो वहां पर होगा ये कि मान लीजिए कोई टुकड़ा है, ऐसे टुकड़ा है, ठीक है। टुकड़ा को, इस टुकड़ा को हमने क्या किया, ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे। तो मैं पूछूं कि इधर साइड वाला टुकड़ा का ये जो है ये इधर वाला बता दीजिए, वैसे इसमें बताना है इधर जो कैसा मैच कराएंगे जो आकर यहाँ पर सेट हो जाए। तो भैया आप पेंसिल लेकर जाइएगा और ऐसे मिलाकर देख लीजिएगा, अगर मिलाएंगे तो मेरे हिसाब से, अगर ऐसे मिलाएंगे तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, वो आना चाहिए सी नंबर, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसको उठाकर रखेंगे मुड़ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे तो आप लोग किसको उठाकर रखना पड़ेगा भैया, हाँ देखिए इस कोना को, ये जो कोना में है ना इसको भरेगा भाई साहब ये वाला कोना, ठीक है, तो डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अब इस सारी चीज़ों को देखिए, इसमें देखिए इस वाले कोना ऊपर के साइड में देख लेंगे, इस वाले कोना को कौन भरेगा भैया, तो इस वाले कोना को शायद ये भर देगा क्या, हाँ ये भर देगा, ठीक है, नीचे भी भर रहा है, ठीक है, तो डी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। सारी चीज़ें समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। इस वाले कोना को कौन भरेगा भैया, तो इस वाले कोना को, इसमें से पहले नंबर तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे होकर ऐसे हुआ है, यानी कि सी नंबर भर देगा, सीधी सी बात है, सी नंबर भर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सी नंबर भर देगा, तो राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। आइए भाग 7 पे पहुंचते हैं, जो कि उसमें तो मैं मैजिक बताऊंगा, ये मैजिक क्या था हल्का मचा कर दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि यहाँ पर कोई दर्पण लगा हुआ है। दर्पण का मतलब भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटा सा ये दर्पण लगा रहा हूँ, ठीक है, ये दर्पण, दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा, शीशा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये एक्स वाई क्या है, आप लोग का दर्पण है, ठीक है, इसका मतलब शीशा हुआ। शीशा में यदि आप लोग बी लेटर को लेकर जाएंगे तो बी उल्टा दिखेगा, ठीक है, जिसमें आप अपना चेहरा देखकर कॉलेज या स्कूल जाते हैं, स्कूल ही नहीं जाएंगे अभी छोटे हैं, ठीक है, कॉलेज इंटर यानी कि 11 में चले जाएंगे या 12 क्लास में चले जाएंगे तो वहाँ पे कॉलेज बोलेंगे, ठीक है, स्कूल को ही कॉलेज बोलेंगे। अभी 10 से नीचे हैं तो आप लोग उसको स्कूल बोलेंगे, ठीक है, और उसके बाद से 12 के बाद ऊपर जाएंगे तो उसको डिग्री कॉलेज बोलेंगे या पीजी कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट की कॉलेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ रहे होंगे, बाकी उतना हाई लेवल का आपको जानने की जरूरत नहीं है, बाकी इतना ही समझिए कि ये कोई शीशा है, शीशा में कोई भी लेटर जाएंगे लेकर तो उल्टा दिखेगा, एक बार जाकर घर पे ट्राई कर लेंगे। बाकी यदि मान लीजिए कि हम लोग यल लेकर जाते हैं तो यल ऐसा है ना, तो यल उसमें ऐसा दिखेगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर, तो इसका मैं मैजिक बता दूंगा, तो इतना सब रटने की क्या जरूरत है। आइए मैं सबसे पहले वो दर्पण खींचता हूँ, तो ये रहा आप लोग का दर्पण, ठीक है, दर्पण है ये ऊपर के साइड में लगा है, इसका मतलब भी दर्पण ही है, ठीक है, ये मत समझिएगा भैया आप नीचे के साइड में लकीर खींच रहे हैं और ऊपर के साइड में ऐसे ऐसे लकीर दिया गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो आइए मैं कोई छोटा एग्जाम्पल नहीं है क्या, छोटा एग्जाम्पल, हाँ इसको ही बना देता हूँ, ठीक है, इसको बना देता हूँ, ठीक है। तो इसको देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक ऐसे खींचूँगा, ठीक है, फिर इसको ऐसे मिलाऊँगा, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे खींचा जाएगा, ठीक है, इसके बाद ऐसे खींचा जाएगा, ठीक है, उसके बाद से ऐसा खींचा जाएगा, ऐसा खींचा जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है भैया आपने खींच दिया, ठीक है। वीडियो को लाइक जो स्टूडेंट नहीं किए हैं कर दें, क्योंकि 2,00,000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही कम है, अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे 2,00,000 हो सकता है कंप्लीट भी हो गया हो, और नहीं कंप्लीट हुआ होगा आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को 2-5, 2-5, 10 बच्चों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है। ये देखिए हूबहू इसके जैसे आकृति मैंने बना दिया कि नहीं, बनाया किस लिए, क्योंकि मैजिक मुझे दिखाना था। मैजिक दिखाने के लिए एक बार डबल पेन से हम लोग इसको टाइप करते हुए दबाते हुए इसको हम लोग थोड़ा सा खींच लेंगे, ठीक है, ये अच्छी बात होगी, ठीक है, ये मैंने खींच लिया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, पेज को, दर्पण इस साइड में लगाया तो पेज को इस साइड में पलटेंगे, किस साइड में, इस साइड में पलटेंगे, ये बात आप लोग याद रखेंगे कि नहीं, दर्पण जिस साइड में लगा रहेगा उस साइड में पलटना है, दर्पण नीचे के साइड में लगा रहेगा तो इधर पलटना है, दर्पण ऊपर के साइड में लगा रहेगा तो उधर पलटना है, दर्पण इधर के साइड में लगा रहेगा तो इधर पलटना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो दर्पण इधर साइड लगाया तो इधर हम लोग पलटेंगे, तो पेज को ऐसे जस्ट देखिए, ऐसे ऐसे कैमरा में ही पलट रहा है, ठीक है, तो ये मैंने पलट दिया। अब हुआ क्या है, इस फिगर को हम लोगों को क्या करना है, उगा देना है, ये देखिए ऐसे करके था और ऐसे करके था,
ऐसे करके था, ऐसे करके था, ऐसे करके था, और इधर के साइड वाला कलर किया गया। अब भैया इसमें सेम से मैच करा लीजिए ना, तो आप लोग का राइट आंसर जो है वो आप लोग का ए नंबर है, सेम से मैच कर रहा है। तो इसी तरह करना है, दर्पण वाला हिस्सा आप लोग कर लेंगे, बाकी भाग 7 को तहलका मचा कर कीजिए। 25, 26, 27, 28 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो कि बहुत ईजी है। जैसे मैंने बताया, पेपर पर उगाइए और उसको प्लॉट कर देख लीजिए, इससे ईजी कुछ हो नहीं सकता। और जितना ही उगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सीधे आप लोग बता सकते हैं। जैसे इसका मुझे आंसर बताना हो तो मैं ऐसे पलटूंगा, तो मन में ही मैंने पलट लिया इसका राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। इसको मैंने पलटा तो ए नंबर, इसको मैंने पलटा तो भैया इसको जब पलटेंगे ऐसे तो ये वाला कोना इस साइड में आएगा और ये वाला कोना उस साइड में जाएगा, ये तो ऐसा ही फिगर रहेगा। बस बीच वाला हिस्सा क्या होगा, ऐसे बेंड होगा, तो बेंड होगा तो ये आप लोग का डायरेक्ट राइट आंसर सी नंबर दिख रहा है, तो सी नंबर राइट आंसर। इसको जब हम लोग पलटेंगे तो इधर साइड में ये सटा हुआ है, तो ये भाग सटा हुआ है में ही आएगा, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। मतलब मुझे इतना प्रैक्टिस हो गया है, प्रैक्टिस हो गया है कि मैं जाऊं और तहलका मचा कर आऊं, एकदम इजी इजी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। आइए भाग 8 में पहुंचते हैं। भाग 8 में होता ये है कि कागज को काटना, फोड़ना, मोड़ना, पता नहीं क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग में नहीं जाएंगे, एक कोष्टक और रहना चाहिए था कि खाली होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं एक कागज का टुकड़ा लेता हूँ छोटा सा, इस कैंची की हेल्प से। आप लोग मार्केट से एक छोटा सा कैंची खरीद लेंगे, मैं बार बार अपने वीडियो में रिक्वेस्ट किया हूँ कि कैंची जाइए और खरीद लीजिए, और घर पे काटना फोड़ना वाला आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कागज ले लिया, और इस कागज, इसका कहने का मतलब ये है कि भैया एक राउंड ऐसे फोल्ड कीजिए, तो मैं एक राउंड ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। भैया एक्स्ट्रा हो रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा पार्ट उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, डिलीट का मतलब रिमूव कर देंगे, रिमूव का मतलब काट कर हटा देंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम काट कर हटा देते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था, एक्स्ट्रा के तौर पर काट रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन के हिसाब से मैं नहीं चल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन के हिसाब से मैं चलता हूँ। इस तीर इधर का मतलब इधर आप फोल्ड कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, मैंने फोल्ड कर दिया। अब इस तीर का इधर का मतलब कि आप इधर फोल्ड कीजिए, तो आपके सामने ही मैं फोल्ड कर रहा हूँ। अब आप बताएंगे भैया कि आप कैसे फोल्ड कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक, सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि कैंची की हेल्प से बिल्कुल गोल काटिए यहाँ पर, तो ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ऐसे बन गया ना आकृति, देखिए ऐसे ये वाला आकृति मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे आप कैंची की हेल्प से फोल्ड कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिलीट करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव करेंगे काट कर। तो भैया गोल कटिए ना, तो आज तहरा के देखिए कैसे मैजिक हो रहा है, देखते रहिए आप लोग, देखिए एकदम हमसे डर गया है, बिल्कुल गोल कटेगा, नहीं कटेगा तो आज भी इसको क्या ही बताऊँ। देखिए ऐसे हो गया ना, ऐसे देखिए इधर वाला हिस्सा मैंने कट किया था, इधर वाला, ठीक है, ऐसे ऐसे इधर वाला हिस्सा, ठीक है, बिल्कुल आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको ओपन करने के लिए बोल रहा है भैया, तो आप लोग ओपन कर दीजिए, जो कि ओपन करेंगे तो ऐसा आप लोग का राइट आंसर आना चाहिए था, तो आप लोगों का ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऐसे आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे क्यूट दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा होगा, मैजिक है ना, मैजिक थोड़ा कम ही दिखता है भाई इसमें। देखिए ये सारी कर लेंगे इधर ये कागज को काटना फोड़ने वाला, ठीक है, मोड़ने वाला बोलेंगे, फोड़ने वाला नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी ये सारा सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 29, 30, 31, 32 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, और अपना नाम तो लिखना भूलना ही नहीं है। लड़कियां भी कमेंट करें भाई, गर्ल बहुत पीछे रह जाती हैं, गर्ल का कमेंट देखता हूँ बहुत कम आता है, तो गर्ल तो बिल्कुल तहलका मचाए भाई, अब इस समय गर्ल ही आगे निकल रही हैं हर एक क्षेत्र में, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, भाग 9 में पहुंचते हैं। भाग 9 में तो कोई भी तहलका मचा देगा भाई। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं छोटा छोटा टुकड़ा दे दूँ, ईंट का टुकड़ा दे दूँ, और उसी ईंट के टुकड़ा से मैं बोल दूँ घर बनाओ बाबू, तो आप लोग घर नहीं बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं बार बार यही एग्जांपल लेता हूँ, ओ भाई एग्जांपल ही गलत बोलिए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैं छोटा छोटा टुकड़ा दे दिया, ठीक है, अब इससे घर बनाने के लिए बोलूंगा तो आप लोग घर नहीं बना लेंगे, ऐसे ही ना बनाएंगे, सब लोग ऐसे ही बनाएंगे। अब ये नहीं ना कोई स्टूडेंट आकर ऐसे बनाना स्टार्ट कर देगा, आप ही बताइए, क्योंकि ये टुकड़ा मैंने दिया ही नहीं है, जो टुकड़ा दिया है उसी का उपयोग कीजिए। तो इसमें देखिए ऑलरेडी आपको ये टुकड़ा दिया गया है, ठीक है, इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इस टुकड़ा से कौन सा आकृति या वृत्त बनेगी या आयत बनेगा क्या वर्ग बनेगा, जो भी बनेगा बनाकर दिखा दीजिए। इसी ये ये और ये और ये है, ठीक है, अब इस टुकड़े से भाई कौन सा इसमें आकृति बनेगा यही तो बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस टुकड़ा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है यहाँ पे, ठीक है, और इन दोनों का यहाँ पे साइड साइड किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर सी नंबर। इसको देखेंगे ध्यान से तो इस छोटा छोटा का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, तो इन छोटो छोटो का प्रयोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, इसका तो समझ में आ रहा है इधर साइड में प्रयोग किया गया है, इसका साइड में बीच में प्रयोग किया गया है, इसका और इसका प्रयोग नहीं दिखाया दे रहा। शायद राइट आंसर यही होगा लेकिन टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए ये देखिए इधर साइड वाला हिस्सा इधर यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे और ये बीच वाला, ये साइड वाला बीच में, यानी कि सीधा सा दिख रहा है आप लोगों का राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर किया गया, ये ऐसे आना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग है, टाइपिंग में मिस्टेक होती है। इसको टुकड़े से बनाइए, तो इस टुकड़े से कौन सा बनेगा बाबू, इस टुकड़े से डायरेक्ट सीधा सीधा दिख रहा है ये बनेगा, तो गोला का प्रयोग किया गया है ना यहाँ पे, तो ये गोला दिखना चाहिए था यहाँ पे, बिल्कुल भाई टाइपिंग में मिस्टेक कर दियो ब्रो, जो भी टाइप किया है ब्रो मिस्टेक कर दिया है, मैं क्या ही बताऊँ, पढ़ाते टाइम डिस्टर्ब हो रहा है। इसको इधर के साइड में प्रयोग, इसको यहाँ पे और इसको छोटा सा पार्ट यहाँ पे और ये छोटा सा पार्ट इस साइड में, ठीक है, ठीक है, इतने तो सारी चीज़ें समझ में आ रही, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट आंसर यही नंबर होगा, ठीक है। आइए हम लोग भाग 10 पे पहुंचते हैं, उसके बाद मैथ सॉल्व करना है, अभी बहुत तड़का मचाना है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि ये चोर है, चोर किसी आकृति में छुपा हुआ है, वही हम लोग को बताना होता है। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये आकृति कहीं किसी आकृति में छिपी हुई है, उस आकृति को ढूंढ कर बता दीजिए। तो ये आकृति आप लोग का ए नंबर में छुपा हुआ है, ये आकृति आप लोग का बी नंबर में छुपा हुआ है, ये आकृति आप लोग का इसमें छुपा हुआ है सी नंबर में, ये आकृति आप लोग का किस में छुपा हुआ है, तो ये आकृति आप लोग का छुपा हुआ है जो कि सी नंबर में, ठीक है। तो आइए हम लोग ये सब कुछ सॉल्व हो गया, 40 प्रश्न रीजनिंग का आप लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए हम लोग का मैथ पे चलते हैं, तो मैथ का विकास को, और जो स्टूडेंट मेरा बैच ज्वाइन करेगा मात्र 249 रुपीज, कितना 249 रुपीज, कितना है बच्चों 249 रुपीज, बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को बैच देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोग को चैप्टर वाइज पीडीएफ देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा चैप्टर वाइज पीडीएफ आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। उसके बाद से आप लोगों को क्या मिलेगा, 7 पिछला साल का पेपर मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, पिछले साल का पेपर, और ये भी पेपर मैं आपके व्हाट्सएप पर भेजूंगा मात्र 249 रुपये में, और बाकी आप लोगों के 8 प्रैक्टिस सेट भेजा जाएगा, 8 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों के पास क्या भेजा जाएगा, 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, और ये पेपर मैं आपके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। सबसे पहली बात कि अपने पापा जी से बात कराना होगा, पापा जी से बात कराना होगा, इसको किस नंबर पे, 93 36 56 81 64, वो भी किसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को बात कराना होगा, मैसेज कर डाल देना है कि सर हमको बात करना है, बैच ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, तो आप कैसे क्या प्रोसेस है, हम 249 पे भेजने के लिए रेडी हैं। तो आप एक काम कीजिएगा कि आप आपके पास QR कोड जाएगा इधर से, QR कोड का मीनिंग पता नहीं सही है कि नहीं, COD होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, तो आप लोगों के पास QR कोड जाएगा और इस पर आप लोगों को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल देना है, बाकी ये सारा मटेरियल मैं आपके पास भेज दूंगा, जो कि एकदम मतलब समझिए तहलका मचा कर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आइए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी मैं सब क्वेश्चन इसमें नहीं सॉल्व कराऊंगा, बैच में सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। पंकज रात में 10:30 सोता है तथा प्रातः 5:10 उठ जाता है, तो बताइए कि पंकज कितने मिनट सोता है, मिनट में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सुलाएंगे, 10:30 सो रहा है, ठीक है, ये सो रहा है, ये सोने का स्टार्ट इसका प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है, ये सोता, ये देखिए मैं कैसे सुला रहा हूँ इसको भाई, एकदम रुवा कर सुलाऊंगा, ठीक है। ये 5:10 तक सो रहा है, ठीक है। अब देखिए 5:10 ये सुबह है,
सुबह है और ये रात है, ठीक है। तो हम लोग चलिए चलते हैं, 10:30, तो फिर 11:30 एक वो टाइम आएगा तो बजेगा, फिर 12:30 होगा, फिर 1:30 होगा, फिर 2:30 होगा, फिर 3:30 होगा, फिर 4:30 होगा, फिर आप लोग का 5:30 होना चाहिए था। लेकिन हम लोग इसमें कितना अधिक चले गए, कितना हम लोग को यहाँ तक आना था, ठीक है। तो हम लोग इसमें 10-20 प्लस यानी कि 20 मिनट एक्स्ट्रा चले गए, जो कि हम लोग लास्ट में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ 1 घंटा हो जाएगा, 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 और बाकी यहाँ से यहाँ 1 घंटा, यहाँ से यहाँ 1 घंटा, यहाँ से यहाँ 1 घंटा। तो आइए काउंट करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, यहाँ पर सारा 1-1 घंटा है, 1-1 घंटा, 1-1 घंटा, 1-1 घंटा, 1-1 घंटा, टोटल का घंटा सो रहा है अभी बताता था, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा, 7 घंटा में आप लोगों का 20 मिनट एक्स्ट्रा था, तो 6 घंटा 40 मिनट होगा, 6 घंटा 6 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ठीक है, 6 घंटा 40 मिनट, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आइए धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। ओ भाई आ जाओ, ठीक है, हाँ तू भी आ जाओ भाई, गिरना मत, तुम मत गिरना, ठीक है, सारी चीज़ें थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, ठीक है। 6 घंटा 40 मिनट, अब इसको हम लोग क्या बताना है, मिनट में बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 मिनट बराबर कितना, सॉरी 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, मिनट होता है, ठीक है। तो 6 घंटा में कितना मिनट होगा बच्चों, 6 घंटा में 6 × 60 कर देंगे, 6 × 60 कर देंगे, ठीक है, 6 × 60 कर देंगे तो 6 × 36 360 मिनट हो जाएगा, ठीक है। प्लस कर दीजिए 40 मिनट, यानी टोटल 400 मिनट हुआ है, तो राइट आंसर 400 मिनट, ये वाला आप लोग का सी नंबर आइटम हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दीजिए। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या हम लोग उसको बोलेंगे जो एक और स्वयं से कट रही हूँ, ठीक है, एक और स्वयं से कटने वाली संख्याओं का अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे आप लोग का 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 2 है, तो 2 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 2 अंकों का बोला है तो ये सबसे छोटा है तो 1 अंक का हो गया, 2 अंकों का 11 है तो 11 आप लोग का राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नहीं मैं कराऊंगा, इसको भी मैं नहीं कराऊंगा, इसको भी मैं नहीं कराऊंगा। 15 रुपये प्रति कापी या 5 का बंडल 65 रुपये में बेचता है, यदि इसलिए 12 कापियाँ खरीदे तो उसको कितने, चलिए इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जो आसान रहेगा वही मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका कहना है कि भैया आप आसान आसान क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जाके थोड़ा यूट्यूब चेक कर लीजिए कितना आसान पढ़ाया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना सारी चीज़ें। देखिए ये 15 रुपये में एक दुकानदार क्या है, 15 रुपये प्रति कापी या 5 का बंडल 65 रुपये में बेचता है। एक कापी का मूल्य रखा है भाई 15 रुपया, ठीक है, और 5 का बंडल यानी कि इसमें 5 को कापी है, 5 को कापी का मूल्य 65 रुपया है, ठीक है। क्योंकि इसके हिसाब से देखा जाए तो कापी 5 को कापी का मूल्य 15-75 रुपया होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 10 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है, 5 को का बंडल ले लेंगे तो, ठीक है। तो 12 को कापी किसी को लेना है, किसको लेना है भाई, विनोद को लेना है, श्री विनोद को लेना है, ठीक है। तो विनोद को लेना है 12 को कापी, तो सबसे पहले 2 को बंडल ले लेगा, 2 को बंडल ले लेगा, तो ये आप लोग का 65 रुपया लगा, तो 2 को बंडल का 130 रुपया लग गया, ठीक है। लेकिन कापी आप लोग का टोटल 10 ही हुआ, ठीक है। अभी इसमें कितना चाहिए, 2 को कापी और चाहिए, लेकिन आप लोग का टर्म एंड कंडीशन ये है कि 1 को कापी लेंगे सिंगल तो 15 रुपया, मतलब बंडल को तोड़ कर लेंगे तो 15 रुपया लगेगा, तो ये तोड़ना रहा है तो 2 को कापी का 30 रुपया डायरेक्ट लगेगा आपका, तो 30 रुपया लगेगा, तो अब बस इसी को जोड़ देना है, तो ये आप लोग का 160 रुपया देना पड़ेगा, हर हालत में 160 रुपया देना पड़ेगा, तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं, नीचे कच्चे कार्य के लिए जगह होता है, आप लोग रफ वर्क नहीं लेकर जा सकते, यहीं पर अपना रफ वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने बैच में बताता हूँ, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, कौन सा पेन यूज करना है, सारी चीज़ें मैं अपने बैच में बताता हूँ, बच्चों को एकदम मतलब
बिल्कुल मोटिवेट करके भेजता हूँ। एक परीक्षा में रोहन 1750 अंकों में 1470 अंक प्राप्त किया, तो परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक आए? देखिए कोई भी एग्जाम होता है वो अपने आप में 100% का एग्जाम होता है। कितना परसेंट का? 100% का। इसमें से क्या हो रहा है कि 1750 है, ठीक है, 1750 है, ये ऑलरेडी 1750 नंबर का ये पेपर हो रहा है, ठीक है, ये अपने आप में 100% होगा, ठीक है। तो ये 1750 में कितना पा रहा है? तो 1750 में 1470 पा रहा है, ठीक है। तो जो पाएगा, ठीक है, जो पाएगा प्राप्तांक अंक यानी कि ऊपर रहेगा, ठीक है, और जो टोटल अंक है वो नीचे रहेगा, ठीक है। उसका गुणा 100 से करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए और ये 15 ये आप लोग काट दीजिए, 5 2 में 10, आप 5 3 15, आप 5 5 25, 35 बार में। अब इसको भाग देंगे, इसको भी काट दीजिए, 5 7 35, अब 5 2 में 10, यहाँ पर बचा 4, 5 5 9 45, और यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 20, अब 5 6 20, ठीक है, इतना आया 294 × 2/7, ठीक है। तो 7 से कटेगा क्या? 7 1 9 7, 7 3 21, बचा यहाँ पर कितना? 8 8 4 84, नहीं कटेगा, ठीक है। ओ भाई 535 काटने में मिस्टेक हुआ है क्या कहीं? चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले इसमें गुणा कीजिए। गुणा तो हम लोग बाद में भी कर सकते थे, 294 हाँ भाई कट जाएगा, 1 5 7 2 14 42 बार में कट रहा है, ठीक है, 42 2 84 84% आप लोग आए। काटने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग पढ़ाते पढ़ाते, आप लोगों को मैंने बताया ना कि बैच में काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। 84% आप लोग राइट आंसर, कौन सा? बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। सारी चीज़ें समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 500 एकड़ 6 7 का योगफल होगा। अब भाई क्या बोल रहा है यार, 500 सैकड़े का मतलब 6 दहाई का मतलब 10 से गुणा 100 से गुणा, और 7 हजरावें का मतलब 5 सैकड़ा का मतलब 5 में 100 से गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। 6 दहाई का मतलब 6 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 7 हजरावें का मतलब 7 में 1000 से गुणा करेंगे तो ये 7000 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ देना है, 0 6 5 7 7560 7560 7560। ये भाई मिस्टेक किएगा का ही इसको बताएं हम, मैं तो ठीक ही सॉल्व किया हूँ। राइट आंसर आप लोग का बाबू, मेरे सोना, मेरे धन, मेरे लड्डू, ये होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। निम्न में से कौन सा 324 का गुणनखंड नहीं है? 324 के देखिए जो है ना, देखिए ये गुणनखंड का मतलब ये होता है, जैसे मैं 6 का गुणनखंड निकालूं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड 6 से कटेगा। जिससे ये 6 कट रहा है वही सारा आप लोग का गुणनखंड हो जाएगा। तो ये 324 जो है, 324 में जिससे जिससे भाग लगेगा वो तो इसका गुणनखंड है, और जिससे भाग नहीं लगेगा वो इसका गुणनखंड नहीं है। 4 8 32 4 1 4, 4 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, 6 से भाग लगाएंगे तो 6 5 30, 6 6 24 कट जाएगा, 18 से भाग लगाएंगे तो 324 है, 18 से हम लोग को भाग लगाना है, 18 36, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 12 2 14, चार उतर जाएगा, ठीक है। तो 8 5 40, 8 6 48, 8 6 64, 18 का पारा कितना? 20, 7 बार में पढ़ना चाहिए, ठीक है, 7 बार में, 8 7 56 5 126, 8 6 4 7 8
ठीक है 18 बार में ये कट जा रहा है, यानी 18 से भी ये संख्याएं कट रही हैं। ठीक है, तो 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, तो डायरेक्ट 24 में मार दीजिएगा, 24 से शायद ये नहीं कटेगा, शायद मीटर देकर भाग देख लेंगे, जिससे नहीं कटे गुणनखंड नहीं है, जिससे नहीं कटेगा वही आप लोग का राइट आंसर होगा। तो 24 से कट करेंगे, एक बार में जाएगा 24, यहाँ पर बचे 6 दो 8 84, 24 के 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, भाई साहब नहीं कटेगा। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेंगे तो आप लोग का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आइए आप लोग का अभी मैथ का क्वेश्चन और है, जो कि मैं एक दो और कराऊंगा, चूंकि मैं थक गया हूँ, इसको भी नहीं कराऊंगा, इसको भी नहीं कराऊंगा, बहुत ईजी है बट नहीं कराऊंगा, इसको करा देता हूँ। ठीक है, क्यों आप बोलेंगे भैया क्यों छोड़ रहे हैं, तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बैच में पढ़ाऊँगा, सीधी सी बात है, बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो इस वीडियो को 5 लाख व्यू जाना चाहिए, 5 लाख, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। ठीक है, तभी मैं ये सारा सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बता दीजिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 और 1 0 लिख देंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 5 9 लिखना होगा। ठीक है, अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा का मैं से छोटका घटाएंगे, तो ये बड़ा को मैं पहले लिख लेता हूँ और छोटका घटा देता हूँ, तो 0 8 9 9 9, ये लास्ट में 80 किसका मिला है, ये हो भाई वह गलत किया है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या मैंने लिख दिया, 2 अंकों की छोटी संख्या मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको जब घटाया तो यहाँ पर 9 मिला। ठीक है, यहाँ पर मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर 9 मिला, यहाँ पर 8, लास्ट में 3 × 9 शुरू में, लास्ट में नहीं, हाँ लास्ट में 8 नहीं, बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में उभयनिष्ठ गुणज बताना है, उभयनिष्ठ गुणज बता देंगे, चलिए मैं बता देता हूँ, 8, 10 और 16 का उभयनिष्ठ गुणज पूछा है, डायरेक्ट उभयनिष्ठ गुणज पूछेगा तो एलसीएम निकाल दीजिएगा, 2 का 4, 5 एंड 8, 2 से कट करेंगे तो 2, 5 एंड 4। ठीक है, 2 से कट करेंगे तो 1, 5 और 2, फिर 2 से कट करेंगे तो आप लोग का कौन सा राइट आंसर होगा, 2 का 1, 5 और 1, फिर 2 से कट करेंगे, 5 से कट करेंगे। ठीक है, 5 दुना में 10, 10 दुना में 20, 20 दुना में 40, 40 दुना में 80, राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, इसको कराऊं, इसको 7 मीटर इतना सेमी बराबर है भैया, आप लोग कमेंट करेंगे, सब कुछ ही कमेंट करना पड़ेगा, कुछ भी मैं बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आइए हम लोग पहुँचते हैं किस पे, हिंदी पे, आप लोग बैच ज्वाइन मेरा कर लेंगे तो उसी में सब कुछ सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद है ये, इस अनुच्छेद यानी कि इसको पढ़ना है और इसके उत्तर देना है। ठीक है, तो आप लोग उत्तर दे देंगे, बताइए, दूरदर्शन आज काल्पनिक वस्तु की न होकर ठोस वास्तविकता है, दूरदर्शन आज कल्पना की वस्तु ना होकर ठोस वास्तविकता है, आज लगभग हर घर में दूरदर्शन है, दूरदर्शन के आविष्कार का श्रेय जॉन लोगी बेयर्ड को जाता है। देखिए, दूरदर्शन का आविष्कार किसके लिए है, जॉन लोगी बेयर्ड, ये नंबर आइट है, दूरदर्शन में ध्वनि प्रकाश और विकास किसका कमाल देखने को मिलता है, अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, दूरदर्शन आविष्कार कर दिया था प्रचंड, दूरदर्शन हमारे दूरदर्शन का प्रथम दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ, दूरदर्शन, देखिए यहाँ लिखा, दूरदर्शन में ध्वनि प्रकाश और फोटोग्राफी का कमाल देखने को मिलता है, फोटोग्राफी यहाँ पर सी नंबर आइटम से जो कि यहाँ पर छोड़ा था। ठीक है, सी नंबर आइटम, ऐसे आप लोग को यहाँ से पढ़ना है और यहाँ से उत्तर दे देना है। भारत में दूरदर्शन का प्रथम प्रदर्शन कब और कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर देखिए, भारत में प्रथम प्रदर्शन 1998 में नई दिल्ली में किया गया था, तो 1998 नई दिल्ली आप लोग का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का पूछेगा, आप लोग कर कराएंगे बिल्कुल तालम का मजा कर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी आप लोग बोलेंगे कि भैया इस पेपर का फुल सोल्यूशन कराइए, फुल सोल्यूशन फटाफट कमेंट कीजिए वीडियो में, और जो बच्चा बैच ले लिया उसके लिए तो भाई दिल से थैंक यू सो मच, बाकी ये सारा कुछ आप अपने मन से करेंगे। ठीक है, जो भी मेरा वीडियो आता है अब बोलेंगे भैया आप संपूर्ण वीडियो नहीं लाते हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ पैसा लगेगा आपका। ठीक है, और मैं पैसा का प्राइस बहुत ही कम रखा हूँ, मात्र कितना रखा हूँ,
249 मार्केट में जाएंगे और खा जाएंगे, ठीक है, 249 मार्केट में जाएंगे और खा जाएंगे। एक बार अपने पापा जी से बोलिए कि पापा जी मुझे ये बैच ज्वाइन करा दीजिए, मैं 100% मैं अपने साथ गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं आपका सिलेक्शन दिला कर रहूँगा, ठीक है, सिलेक्शन दिला कर रहूँगा। नहीं सिलेक्शन हुआ तो डायरेक्ट आप मुझसे कहिएगा कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज PDF दूंगा, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, साथ पिछले साल का पेपर दूंगा, 8 प्रैक्टिस सेट दूंगा, 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, न्यू ओमआर शीट दूंगा और ये सारी चीज़ें हैं जो भी हैं, ठीक है। और एग्जाम आएगा तो भैया मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँगा, बहुत ज़्यादा।